नमस्कार, आपने लॉगिन किया है क्रिकेट न्यूज। अफगानिस्तान के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुए एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाज छा रहे हैं। पहले दो सत्रों में स्पिनर्स के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आखिरी सत्र में राशिद खान को 67वें ओवर में सफलता मिली, जब उन्होंने भारत के कप्तान अजिंक्य राणे को केवल 10 रन के निजी स्कोर पर LBW आउट किया। यह राशिद खान का पहला टेस्ट विकेट था, जबकि पहले दो सत्रों तक वे सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। तीसरे सत्र में जब 60 ओवर का खेल होने तक जब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 304 रन हो गया था, क्रीज पर कप्तान अजिंक्य राणे के साथ तेजेश्वर पुजारा मौजूद थे। टीम के इस स्कोर में शिखर धवन की 107 रन, मुरली विजय के 105 और लोकेश राहुल के 54 रनों का अहम योगदान था। खेल के अंतिम सत्र में बारिश के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो पहले तो मुरली विजय ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद वे 2 ही रन बना सके और वफादार की गेंद पर LBW आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में यासीन ने लोकेश राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उससे पहले राहुल अपना अर्धशतक बनाने में जरूर कामयाब हो गए। 76वें ओवर तक भारत के 6 विकेट के नुकसान पर 340 रन थे। क्रीज पर अश्विन और हार्दिक पांड्या मौजूद थे। पहले शिखर धवन और उनके बाद मुरली विजय ने शानदार शतक लगाया। दोपहर बाद दो बार बारिश ने बाधा डाली। दोनों बार मुरली विजय का स्कोर 90 के आगे था, लेकिन बारिश के खलन को पार करते हुए मुरली विजय ने अपना शतक पूरा किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए क्रिकेट न्यूज के साथ।